इस ब्लॉग में आने लाएंगे कमरा। हाय हाय हाय, यूनिट के पास इनकम आ गई भाई, जबरदस्त हो। हाय हाय हाय, मजे करते हैं। खुशी में ना गलत लगा बैठा हूं, ये हो गया। पचास व्यूज से लेकर इनकम तक का सफर कैसे, बताते हैं आपको। चलिए, एक लड़का था इरफान नियाजी, इसकी है कुछ स्टोरी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि बड़े छोटे पैक में बड़ा धमाका। तो आपको बताते हैं, वो लड़का हूँ मैं। तो भाई साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी और बैठे बैठे ना कुछ ख्याल आया। तो भाई वो टाइम था तकरीबन एक साल पहले, बैठे बैठे कुछ ख्याल आया पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे मतलब हबी अपना करें, ऐसा कुछ क्रश हो जिसको मतलब साथ लेकर बंदा चले और आगे भी बढ़े, तरक्की भी हो, नाम भी बने। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट में हर बंदा नहीं जा सकता, बाकी कुछ गेम वगैरह दोस्तियां नहीं, इसको सबको स्किप किया। मैंने ज्वाइन की यूट्यूब, और एक देहात का लड़का, आम सा लड़का, मतलब हमारे देहात में प्यारे से लोग हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं सराय की जबान के, मतलब मियांवाली के बहुत फेमस हैं, मियांवाली के तौला सखेलवी भी, मिसबल हक भी, शदाब खान भी। तो मैंने कहा, मेरे कज़न दोस्त ना बोलते हैं तुम नाम नहीं बना पाओगे, नाम नहीं बना पाओगे। मुझे बड़ा शौक था, बड़ा दिल था नाम बनाने का। तो मैं बैठे बैठे मैंने कहा यूट्यूब ज्वाइन करते हैं, एक आम से घर का लड़का, ये दिखा दें जगह, दिखा दें आम सी जगह, नॉर्मल जगह का लड़का यहाँ से उठकर, जी एक आम सी नॉर्मल सी जगह का लड़का यहाँ से उठकर कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, हर जगह मतलब घूमा, किस तरह सफ़र, ये भी आपको बताते हैं। चलें भाई, इस इरफान नियाजी ने इरादा बना लिया कि यूट्यूब ज्वाइन करेगा और जहाँ तक जाना हुआ ना जाएंगे। ब्लॉग तो हर कोई बना दे, पिज़्ज़े दिखा दे, ये मैंने कॉन्टेंट पकड़ा ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिससे मैं कुछ टाइम पहले टीवी बैठ कर सामने सीन करता था, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उन्हें जाके मिलूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, मेरे साथ वीडियो बनेगी, फोटो, वो मुझे नियाजी साहब कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े लोग हैं और मैंने नाम नहीं बनाया और मैं सीधा उनकी तरफ चल गया, उन्होंने नाम बनाया तो मेरा क्या। मैंने कहा भाई, मिलना मुश्किल होता है या आसान होता है, इतने बड़े लोग हैं, मुझे आम लड़के को इज्जत दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको दिखाने के लिए सब एक्टर के पास चला गया, आयजा खान के साथ भी बनाया, हिबा बुखारी के शोहर के साथ भी, बड़े ये आपको तस्वीरें सामने नज़र आ रही हैं। बाकी सब ने कहा इनसे मिलना भी मुश्किल है, बात करना, मैंने तो उनके साथ खाना भी खाया। बाकी माँ सफदर हो गया, डकी भाई हो गया, जितने यूट्यूबर हैं, सिंगर हो गया, निशा रोकड़ी हो गया, और बड़े बड़े मतलब चैनलों पर आपके भाई ने बड़ी स्ट्रगल की भाई। यूट्यूब एरिया तो देख रहे हैं कितना सादा एरिया, यहाँ का लड़का इतना उठ के जा सकता है एक्टरों के साथ मीटअप, यूट्यूबर के साथ मीटअप, सिंगर के साथ मीटअप, पॉलिटिशियन के साथ मीटअप, गवर्नर सिंह कमरान डिसोरी के पास गए हैं, उन्हें तक मिले मगर वो वीडियो में शो नहीं कराया। तो जगह देख लें। तो इसके पीछे मैं कहना चाहता हूँ, बदलांगे दौर, तो गल के ही कहिए, ये जौन सी जगह खड़ी है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपका भाई स्ट्रगल करके इनकम तक का सफ़र ले आए, और गाड़ियों, बंगले वगैरह ये भी बना लेंगे, बस आपके यहाँ दुआएं साथ चाहिए। तो भाई मैं बैठा था घर, तो मुझे सब कहते थे यूट्यूब ये क्या ज्वाइन कर लिए, तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं। कभी टाइम था भाई 50 व्यूज आते थे आपके भाई के दो तीन दिन बाद, बड़ा खुश हो जाता था। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेहनत की, अपनी मेहनत पे भरोसा था, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000-12,000 भी व्यूज आते हैं और अच्छे खासे एड्स भी चल रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ यूट्यूब पर तो मैं कामयाब हो जाऊँ, मगर टाइम थोड़ा होता, टाइम नहीं दे पाता, कुछ काम चल रहे हैं, वो काम ख़त्म हो जाए, फिर आपका भाई परमानेंट आ जाएगा यूट्यूब पर। तो भाई लोगों की बातें सुनते रहे, लोग हंसी भी करते थे। एक टाइम था मैं शादी पे गया था कज़न की, मैं ऐसे व्लॉग बना रहा था और वो हंस रहे थे ना, सब हंस रहे थे, कह रहे थे हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अभी वही टाइम है, अभी वो मुझे बोलते हैं इरफान नियाजी व्लॉगर, कभी टाइम निकालो हमारे साथ भी व्लॉग बनाओ, कुछ खाने पीने जाएँ, इतनी मतलब अल्लाह ने इज्जत दी है, नाम ये वो, डम टीवी भी वीडियो बनाई। तो मैंने एक ये शूट कर लिया था, दिमाग में ये रख लिया था कि फोकस करना है यूट्यूब पर, नाम बनाना है। तो इनकम तक का सफ़र ले आया हूँ मैं, आगे भी ले आएंगे, अभी थोड़ा तैयार होते हैं और जाएंगे, इनकम निकलवाएंगे, फिर कुछ खाएंगे और आपको बड़ा इन्जॉय। मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग की टू सक्सेस। तो मैंने हार्ड वर्क की है और साइलेंस इज बेटर। बड़े बंदों को पता ही नहीं है इरफान यूट्यूबर है, यूट्यूब पर व्लॉग बनाता है, और अभी इनकम भी आ गई, जब उन्हें पता चलेगा फिर मैं कहता हूँ, तब मेरे मतलब रिश्तेदारों को पता चले, जब मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हों, बंगले हों, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे, बस आप सपोर्ट करें। तो कदीर भाई आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब मेरी मेहनत और स्ट्रगल ने, बचपन की मेहनत, इंशाल्लाह 16-17 साल में हम मतलब ये यूट्यूब को गोल अचीव कर लिया, अब आगे मेहनत करेंगे और बढ़ेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं अपनी इरफान की आर्मी को सलाम दूंगा जी, सबको बहुत मुबारक हो, क्या जिसका मतलब के
फल इसको मिलने वाला है। हाँ, मिल गया। और इरफान वैसे ब्लॉग जब उसने शुरू किया था तो मुझे लगता था ये ऐसे बेवकूफ है, ये ऐसे टाइम अपना जाया कर रहा है, मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि जितनी मेहनत की है ना, ये मैंने वही काम किया, खामोशी में तरक्की कर ली, खामोशी के पीछे कुछ यार रिश्तेदारों के ताने थे, उन्हें उनके ताने दिल पे लगे और वो अभी तक दिल पे हैं। जब तक गाड़ियाँ नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, उम्रा हज नहीं करेंगे, तब तक सुकून नहीं आएगा और तब तक लगा रहेगा आपका भाई इंट्रोडक्शन करता रहेगा जी। और इसके बहुत सादा से व्लॉग होते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे व्लॉग बहुत ही वायरल हुए हैं और इंशाल्लाह ये और तरक्की करेगा, इसके साथ हमारी दुआएं हैं। बिल्कुल, सबसे पहले भाई मैं अपने रिश्तेदारों को सलूट मारता हूँ, आप लोगों ने मुझे ताने दिए हैं, मुझसे जले हैं, मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, मुझे परे परे किया, तो आज मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और इंशाल्लाह आप देखना कहाँ तक पहुँचूंगा, इसके पीछे आपका साथ है जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो और कुछ भी कहना चाहेंगे या? और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तकरीबन इरफान के जितनी देखने फिलहाल तक 420 कितनी वीडियो, हाँ इतनी है, मैं तकरीबन किसी में भी नहीं हूँ, आखिरी कोई 10-20 वीडियो है उसमें मैं आया हूँ। अच्छा, और आज यानी अल्लाह पाक ने यानी कि इस खुशकिस्मती वाले दिन मैं आ गया हूं। हाँ सही बात है, और बाकी क्या नाम इनकम निकलवाते हैं फिर इसी वीडियो में, कुछ दावत वगैरह का भी सीन करते हैं, होना चाहिए ना यार। ये सब्सक्राइब तो इनको बोलो, आप सब्सक्राइब तो कर दो, आप तो आपका भाई इनकम तक कब पहुंच चुके हैं भाई, आप तो सब्सक्राइब करो, डूब मरो, अभी भी जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर, मुझे भी पता है आप लोग इरफान का व्लॉग देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब के बटन पर आपने क्लिक नहीं किया, तो अभी भी मेरी बात सुन लो और सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया होगा। भाई घर की ग्रोसरी खत्म हुई पड़ी है थोड़ी सी, तो वो लेने जाते हैं और फिर मिलते हैं, फिर ये जो स्ट्रगल में पहुंचा हूं, एक जगह जाना है, शुक्रिया अदा करना है, हर टाइम शुक्रिया अदा करता हूं, मगर वो दिल से करेंगे और फिर इनकम निकलवाएंगे एटीएम से और फिर साथ रहें, कुछ खाएंगे पियेंगे, आप साथ रहें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रोसरी की शॉप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से ग्रोसरी पकड़ते हैं, थोड़ी सी चिकन वगैरह बाहर से, फिर सब्जी वगैरह पकड़ते हैं और फिर ये अपनी छोटी मोटी ग्रोसरी आ गई और ये हमारा बिल आ गया, बाकी और चीज़ें लेते हैं और पॉइंट भाई। जब भी कोई दुआ कबूल हो ना, शुक्रिया अदा करने का मौका मिले ना, इस जगह पे आ जाना, रब की ज़ात का शुक्रिया अदा करना, मेरा रब दोस्त है, मैंने ना किसी से नहीं मांगा आज तक, ना दिल की बात बोली है, मैंने अल्लाह से मांगा था, इतना मांगा था कि भिखारियों से भी ज़्यादा मैं मांगता था, बिल्कुल हद ही पार कर देती है, नहीं अल्लाह मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, मतलब जो चीज़ मुझे अम्मी अबू भी नहीं दे सकते थे वो भी मैंने अल्लाह से मांगी, अल्लाह मुझे ये चाहिए बस, मुझे नहीं पता मेरा और कोई सहारा नहीं, कोई वसीला नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता, आपके सिवा मैं किसी से नहीं मांगूंगा, मुझे आप दें बस, मैं लाड करता था, मैंने अपने अल्लाह से लाड की है, अपने अल्लाह से मांगा है, अगर आज मैं इस वक्त में हूँ ना कोई, मैं इतना बड़ा स्टार नहीं बन गया, मस्जिद में वीडियो नहीं बनाते, मगर मैं अपना शुक्रिया अदा करने आया हूँ रब की ज़ात का, ये जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ या पहुँचूँगा तो मैं रब की ज़ात या अल्लाह तेरा शुक्र है मानूँ, कभी कोई इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ मैं, आम सा बंदा हूँ बस, ये क्या मेरी मेहनत मेहनत रंग लाई है, मेहनत बस, रब की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे एक दिन बहुत कामयाब तरीन शख्स बनाएगा यकीन, क्योंकि मैं अपने गम खुशी अल्लाह को सुनाता हूँ, शुक्रिया अदा भी अल्लाह का करता हूँ, सब कुछ मेरी अल्लाह के साथ होता है, अभी ज़ुहर की नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर रब की ज़ात के होते हुए भी किसी से मांगना या किसी के आगे रोना गिड़गिड़ाना अच्छी बात नहीं है, रब करीम ज़ात से मांगे एक आना मांगेंगे 10 आने देगा, छप्पड़ फाड़ के देने वाली रब की ज़ात है, जब से छोटा था मगर छोटी उम्र में ही मुझे मालूम हुआ था भाई एक ही जगह जहाँ से ना दिल से नियत से जायज़ दुआ मांगे वो पूरी होती है, मुझे पता लग गया और मुझे इतना पता है मेरा ईमान है मरते दम तक ना मेरा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है और ना मैं कोई घबराता हूँ किसी वक्त से, बस अल्लाह ना ईमान वाली मौत नसीब करे और जन्नत में आला मकाम हमें अता करे, बाकी ये दुनिया की खुशी गमी चलती रहेगी, इसमें परेशान नहीं होता, ये आजमाइश होती है, बाकी अल्लाह पाक अल्लाह पाक। आ रहे हैं YouTube के इनकम निकलवाने, आप भी साथ साथ रहे, मैं भी आपके साथ हूँ, पेट्रोल डलवा लिया था पंप से, ये देखें अभी चलते हैं सीधा बैंक के लिए मारते हैं और अपनी फर्स्ट इनकम निकलवाते हैं और फिर आपके साथ भाई YouTube की इनकम निकलवाने आ चुके हैं, YouTube की फर्स्ट इनकम तो मैंने कहा आपके साथ दिखाए, मेहनत की है, ये देखें अभी ATM लगाते हैं यहाँ पे, आए हाय हाय यार खुशी में ना गलत लगा बैठा हूँ, ये हो गया अभी ना इनकम निकलवाते हैं और देख लेना आप, ये सब्र आने दें, ऑन हो रहा है, उर्दू इंग्लिश हम करेंगे इंग्लिश भाई, जब ब्लॉगर बनने आए हैं, एसी लगा हुआ है ठंडा, इनकम कोड लग गए और कोड मेरे साथ भाई ने लगा दिया, उसको पता है आप बोलेंगे यहाँ पे सर्च करते हैं सब्र कितने निकलवाएं, ये नहीं दिखाता कितने निकलवाएं, बस पैसे आपको
यार साथ में बंदा रखा हुआ है, बंदा मेरा काम कर रहा है, ये देखिए कैश विड्रॉ। अभी यहाँ पे मैं पेमेंट लिखता हूँ, आपको नहीं दिखाता। ओके हो गया, अभी देखे आए हाय हाय YouTube की इनकम। YouTube की मेहनत की है भाई, मेहनत का फल आने वाला है। हाय हाय मजे भाई, आप लोग सब्सक्राइब करो और बहुत सारे कमेंट करो। इस ब्लॉग की बात बनाएंगे हम, कौन सा क्या नाम है ये ATM निकल आया। इस ब्लॉग में हम आएंगे कमेंट। हाय हाय YouTube के पास इनकम आ गई भाई, जबरदस्त हो गया। कमेंट करेंगे इनकम निकलवा लिया, मेहनत का फल हर किसी को मिलता है। आप इस पे कमेंट करें भाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितना वक्त लगा, कितनी रुकावटें, कितनी मेहनत थी, कितनी कामयाबी थी, और कितना मैं परेशान था, और क्या क्या स्ट्रगल, हार्ड वर्क का स्ट्रगल, और बिहाइंड द सीन पूछें। और कमेंट करें, इंशाल्लाह करेंगे क्यों नहीं करेंगे। अच्छा सर, अभी निकलते कुछ खाते हैं और फिर ब्लॉग अपलोड करेंगे। आपने लाइक मैंने सब्सक्राइब करें। इनकम निकलवाई है तो उसकी थोड़ी सी ट्रीट खा रहे हैं भाई, बारबेक्यू खा रहे हैं और सामने आपके वो खाया था दही बड़े चाट। यही दो चीज़ें, फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ये भाई हमारी बारबेक्यू आ चुकी है, ये नान रोटी आ चुकी है, मैं थोड़ा सा कबाब टेस्ट करता हूँ ये। ओए होए होए, आपको भी टेस्ट कराते हैं और फिर खाते हैं आराम। अभी इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइज अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मेरी स्ट्रगल अच्छी लगी है, मेरा टाइम अच्छा लगे, तो आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।